बेटा बाबा आपको ट्यूशंस लेके जा रहे हैं। आई एम पैकिंग योर बैग। ये चॉकलेट किसने दिया? अंकल। क्या कहा अंकल ने? अंकल ने कहा मैं सबसे अच्छी बच्ची। और क्या कहा अंकल ने? अंकल ने कहा ये किसी को भी मत देना वरना मैं आपको चॉकलेट ही दूंगा। ओके अच्छा बेटा, आज स्कूल में टीचर ने क्या पढ़ाया आपको? एनिमल्स के बारे में। कौन कौन सा एनिमल्स? टाइगर, लायन, चीता, एलिफेंट। और क्या पढ़ाया? आज टीचर ने मैथ्स पढ़ाया और वेरी गुड भी दिया। अरे वाह, आपने देखा थोड़ी सी मेहनत की और आपको वेरी गुड मिला। अच्छा ठीक है, आज मम्मा आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में समझाएंगी। ठीक है, आपको पता है तो उस दिन हम लोग पार्क गए थे, आप बटरफ्लाई के पीछे भाग रही थी। और बटरफ्लाई उड़ जा रही थी, आप पकड़ नहीं पा रही थी। आपको पता है क्यों? नहीं मम्मा। क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता कोई उसे टच करे। बेटा आपको याद है उस दिन हम लोग मारिया के घर पे गए थे, आपकी फ्रेंड, तो वहां पर जो डॉगी था, आप जब उसको टच करने जा रही थी तो डॉगी क्या कर रहा था? बहुत जोर जोर की बात कर रहा था। देखा, एनिमल्स को भी पता है, क्योंकि वो आपको नहीं जानता था और आप उसको नहीं जानती थी, तो वो नहीं चाह रहा था आप उसको टच करें। अच्छा ये बताइए डॉल किसकी है? हमारी है। यस, ये डॉल बिल्कुल आपकी तरह है। इसकी आईज सेम टू सेम, इसकी नोज सेम टू सेम, इसकी चीक सेम टू सेम। बेटा आपको पता है हमारी बॉडी के 3 डेंजर पार्ट्स होते हैं जिसे हम प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं, जिसे कोई भी टच नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। उसे सिर्फ आपकी मम्मा देख सकती है या डॉक्टर, और डॉक्टर भी तब देख सकता है जब आपकी मम्मा आपके साथ हो, ठीक है, वरना कोई भी टच नहीं कर सकता है। मम्मा ये प्राइवेट पार्ट क्या होता है? ओके मम्मा आपको बताएंगी प्राइवेट पार्ट्स। चेस्ट, बॉटम एंड बिटवीन 2 लेग्स। ओके बेटा जब आप स्विमिंग क्लासेस जाती हैं, जो बॉडी पार्ट्स आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के कवर करती हैं, उसे हम प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं। अंडरस्टूड? प्राइवेट पार्ट्स क्लियर हुए? ये पार्ट आपका कोई टच नहीं कर सकता या देख सकता है, ना ही आप किसी का टच कर सकती हैं, ना ही देख सकती हैं। ओके बेटा, टच 2 तरह के होते हैं, एक गुड टच और एक बैड टच। ओके मम्मा, गुड टच क्या होता है? बेटा जब दादी आपको हग करती हैं, सर पे हाथ रख के दुआ देती हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। जब बाबा आपको हग करते हैं, मम्मा आपको हग करती है, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना, इसे हम गुड टच कहते हैं। ओके बैड टच क्या होता है? बेटा अगर आपको कोई टच करे जिसे आप जानती हो और नहीं भी जानती हो, फॉर एग्जाम्पल मम्मा बाबा के फ्रेंड्स, ठीक है, कंडक्टर होता है जो बस में जो आपको हेल्प करता है, वॉचमैन है, क्लीनर है, लिफ्ट मैन है, इनमें से कोई भी अगर आपके प्राइवेट पार्ट को टच करे या आपकी बॉडी को टच करे, आपको फौरन आपको नहीं कहना, आपको बिल्कुल टच करने नहीं देना है, ठीक है? अच्छा बेटा अगर आपको कोई टच करे जिसको आप जानती हो और जिसको नहीं भी जानती हो और आपको अच्छा नहीं लगे, तो आपको फौरन कहना है स्टॉप, नो, आपको चिल्लाना है और वहां से भाग जाना है और फौरन आकर मम्मी पापा को बताना है। ओके और अगर आपको कोई मना करे कि ये सीक्रेट है, मम्मी पापा को नहीं बताना है, तब तो आपको फौरन भागना है, 100% मम्मी पापा को आकर बताना है। ओके और बेटा आपको कौन से 3 काम करना है? नो कहना है, स्टॉप कहना है, जोर जोर की चिल्लाना है, वहां से भाग जाना है और मम्मा पापा को आके बताना है। वेरी गुड। अच्छा बेटा बाबा आपसे क्या कहते हैं हमेशा? मम्मा और पापा हमारे बॉडी गार्ड है। यस, हम आपके बॉडी गार्ड है, तो कुछ भी होगा आपको फौरन आकर हम लोगों को बताना है। ओके ओके बेटा एक और एक बात, नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई चॉकलेट दे तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ओके फौरन कहना है नो थैंक यू, जबी लेना है जब आपकी मम्मी पापा साथ हो, वरना आपको कभी नहीं लेना है। ओके गुड गर्ल, चलो बाबा आपको ट्यूशन लेके जाएंगे। ओके ओके मम्मा।